अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को दया याचिका दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट पर बुधवार को सुनवाई की और तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे दोषियों को एक हफ्ते का नोटिस जारी करें। इस फैसले पर अदालत में मौजूद निर्भया की मां आशा देवी रो पड़ी। उन्होंने कहा कि कोर्ट को केवल दोषियों के अधिकारों की फिक्र है, हमारे अधिकारों की नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मौत की सजा पर अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद डेथ वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। अब अदालत 7 जनवरी को डेथ वारंट पर फैसला करेगी। अक्षय के वकील एसपी सिंह ने कहा कि हम आज या कल क्यूरेटिव पटिशन लगाएंगे और इसके बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी भेजेंगे। निर्भया की मां ने कहा कि कोर्ट ने दोषियों को राहत के लिए वक्त दे दिया है, अदालत केवल उन दोषियों के अधिकारों को ही देख रही है, हमारे अधिकारों को नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली सुनवाई में फैसला सुना दिया जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने आशा देवी से कहा कि हमारी संवेदनाएं पूरी तरह से आपके साथ है। हम यह बात जानते हैं कि किसी ने अपनी जान खोई है, लेकिन उनके भी अधिकार हैं। हम यहाँ आपकी बात सुनने के लिए ही हैं, लेकिन हम भी कानून से बंधे हुए हैं। आशा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी अक्षय की फांसी की सजा को बरकरार रखने पर खुशी जाहिर की थी। जस्टिस आर भानुमूर्ति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसएस बोपन्ना की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने जो तर्क रखे वो पहले भी रखे जा चुके हैं, कोई नया तथ्य नहीं है जिसके लिए सजा पर पुनर्विचार की जरूरत हो। वो रिव्यू कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनका इसके बाद फैसला दिया। पर अब उनके लॉयर ये बोल रहे हैं कि वो क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करेंगे, वो प्रेसिडेंट के पास भी जाएंगे, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, अब उसका टाइम उन्होंने गंवा दिया है, एक साल पूरा बैठ के, क्योंकि 18 महीने रिव्यू तीनों की खारिज हुए हो गई, इनके पास 18 महीने टाइम था रिव्यू करने का, क्यूरी करने का, इन्होंने नहीं किया। जेल ने 7 दिन का डेट अरे नोटिस किया था कि इसमें 7 दिन के अंदर सब मर्सी पटिशन जिसको करना है कर लो, इन लोगों ने नहीं किया तो ऑलरेडी इन्होंने टाइम खत्म कर दिया है। और उम्मीद है कि अब इसी पे इन लोगों का डेट अरे जारी। मैम, 7 साल हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि आज इस फैसले से इंसाफ हुआ है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि इंसाफ के एक कदम और नजदीक हम पहुँच गए हैं। अभी JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।